आप देख रहे हैं अमर उजाला .com पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर केंद्रित खास कार्यक्रम नेताजी के। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के खास मेहमान छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला .com पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2023 में छत्तीसगढ़ चुनाव के अहम मुद्दे क्या होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा से परेशान होकर लोगों ने कांग्रेस को चुना जी, इसलिए चुना कि कांग्रेस 36 वादे यहाँ की जनता से की थी। आज जिसको ये कह रहे हैं कि हमने पूरा किया वो भी आधा हो रहा है, और आधे से ज़्यादा वादे इनके केवल मैनिफेस्टो में सिमट के रह गया। तो अब यहाँ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रोजगार हो, पढ़ाई शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। किसान की खूब बात करते हैं भूपेश बघेल जी, लेकिन आज किसान भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। केवल ये नरवा गरवा की बातें, गोठान की बातें या जो इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सब केवल पेपर में दिख रहा है। तो किसान परेशान है आज। आज बस्तर जाइए, सरगुजा जाइए, आदिवासी परेशान है। आज जो कच्चे कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वो परेशान है। आज जितने भी, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हों, सहायिका हों, सहायक शिक्षिका हों, मितानिन हों, सब सड़कों पर है। सब अपनी मांग को लेकर सड़कों पर है, किसी की मांग पूरे नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि केवल इन्होंने 5 साल में लूटने का काम किया है, जनता का काम नहीं हुआ। ऐसे में जनता विकल्प की तलाश में है, और आम आदमी पार्टी को जनता विकल्प मान रही है। इसलिए मान रही है कि आम आदमी पार्टी का 5 साल का दिल्ली का गवर्नेंस का मॉडल, और अब पंजाब में जो काम हो रहा है, यहाँ कच्चे कर्मचारी लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में हमने आते ही अभी तक 32,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो कच्ची नौकरी में थे, उसको हमने पक्की किया जी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें हैं। पुरानी पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, ऐसे में कैसे आम आदमी पार्टी पार कर पाएगी? आप जरा पूछिए, जो बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं और कितने को बेरोजगारी भत्ता मिल रही है? अभी मेरी जानकारी में 2 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई किया है। चंद कुछ हजार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है, और भी अभी कही गई है। आपने तो वादा किया था चुनाव के पहले, तो दरअसल क्या कर रहे थे आप? अब जो चुनाव नज़दीक आया तो कुछ आप ऐसे छींटना चाह रहे हैं। आप इसी तरह से, चाहे हम आंगनबाड़ी वर्कर हों, चाहे हम आज भी सड़कों पर हैं, अगर वो उन जो मानदेय बढ़ाया गया उससे संतुष्ट आंदोलन करने की जरूरत तो नहीं थी ना। तो ये जो किसी तरह से मीडिया में को देने के लिए, विज्ञापन में कहने के लिए हमने ये काम कर दिया, आप इस तरह के छोटे 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 कुछ कुछ बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब जानती है। कांग्रेस सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना नरवा गुरवा बाड़ी से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी की क्या खास प्लानिंग है? मुझे लगता है आप सब लोग पत्रकार हैं, और जरा ग्राउंड पे जाइए, क्योंकि मैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी गया हूँ, बहुत सारे गांव में गया। मैं बड़ा एक्साइटेड था जब मैं दिल्ली से आया कि नरवा गरवा कैसे है। एक तो बड़ी मुश्किल से कहीं मिला, आधे तो नरवा गरवा केवल पेपर पे है। जहाँ नरवा गरवा, जहाँ पे गोठान है भी, वहाँ पर कहीं चारा नहीं है, कहीं पानी की सुविधा नहीं है। और अगर ये इतना ही कामयाब है तो फिर सड़कों पर गाय क्यों दिख रही है आपको? सड़कों पर जानवर क्यों दिख रहा है आपको? अच्छा, राज्य सरकार का कहना है कि इसके गौठान योजना की वजह से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, कुछ लोग तो करोड़पति भी हो गए, क्या कहें? वो तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना, मैं भी खोज रहा हूँ। मैं तो 1 साल हो गया खोजते हुए, हमने सड़कों का, मैं तो आपको भी कहता हूँ, किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति से मिलाइए जो गोबर बेच के करोड़पति बन गया हो। मुझे तो कोई व्यक्ति नहीं मिला। वो कहते हैं गोबर बेच के कोई स्कूटी ले लेता, किसी को रोजगार मिल जाता। ये मुख्यमंत्री को सपने आते हैं, और वो सपने आते हैं और सुबह जाकर के घोषणा कर देते हैं, ये बोल देते हैं। मुझे लगता है कि आज एक तरह से राज्य की जनता का अपमान करना भी है। आप ये कहते हैं कि गोबर से करोड़पति हो गया और जनता ठगी महसूस। उल्टा आप क्या करते हैं, कंपोस्ट के नाम पर जबरदस्ती उसका पैसा काट लेते हैं, उसमें मिट्टी मिलाकर दे रहे हैं, वो मना नहीं कर सकता है। तो ड्रैकोनियन लॉ अंग्रेजी टर्म होता है कि भाई जब तानाशाह कोई होता है तो ऐसा कानून सबको मानना, चाहे आप सहमत हो असहमत हो, तो ड्रैकोनियन लॉ हो गया ये। तो मुझे लगता है कि जनता इनको, ये कितने भी बात कर लें, कितने भी विज्ञापन में चीजें लिख लें, कितने भी होर्डिंग पोस्टर लगा लें, जो विक्टिम है उनको बदला देगी। छत्तीसगढ़ में धान और किसान चुनावी अहम मुद्दे रहे हैं, कर्ज माफी, और ऐसे में राज्य सरकार की प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की योजना है,
इसमें आप आदमी पार्टी के किसानों को लेकर के क्या खास रणनीति है? मैं कहता हूँ ये क्यों, ये 15 क्विंटल 20 क्विंटल क्यों, किसानों की सारी उपज क्यों नहीं? क्या आपको, आप तो कहते हैं मैं असली छत्तीसगढ़िया हूँ, तो किसान की उपज के बारे में जानकारी नहीं है आपको? किस इलाके में, क्योंकि अलग अलग इलाके में अलग अलग उपज है, क्या उसकी जानकारी नहीं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि उपज का सारा एक एक दाना सरकार खरीदेगी? तो मुझे लगता है, और अगर ये फिर आज क्यों याद आया, 5-7 सप्ताह में थे आप पहले क्यों नहीं कर दिए? तो आप एक तरह से इल्योर करना चाहते हैं, आप एक तरह से ये घूस देना चाहते हैं। आप देखिए, किसान को खैरात नहीं चाहिए, किसान अपना फसल उपजाता है, किसान किसानी को रोजगार बना पाए, किसान स्वाभिमानी किसानी कर पाए, उस किसानी से उनका जीवन में वो आगे बढ़ पाए, बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा पाए, बस ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो मुझे ये लगता है कि ये कल दिखाने के लिए है, इससे जो फायदा वास्तव में किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार जो है लोकलाइजेशन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ परंपरा को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, हम इस बात से सहमत है कि आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपकी रीति रिवाज आपको जोड़ती है, तो उसका बढ़ावा बिल्कुल देना चाहिए, हम सहमत है। बल्कि केवल विज्ञापन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ आज सबसे बुरा हाल चॉलीवुड का है, तो अगर आप संस्कृति से इतना प्यार करते हैं, साहित्य से इतना लगाव है आपका, कल्चर से इतना लगाव है, तो फिर ये बिना यहाँ के जो कल्चरल रीति रिवाज है, संगीत है, उसके बिना कैसे विरोध कर सकते हैं? तो अगर आपका ध्यान था बॉलीवुड हॉलीवुड को विरोध कर लेते, आज कलाकार भूखे मर रहा है, ये सब केवल कहने की बातें। अच्छा, आम बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी रबड़ी पार्टी वाली सरकार है, ये रबड़ी बांट करके देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम लोग को पहले रिसर्च करना चाहिए। आज देखिए, जब हम लोग आए थे दिल्ली में तो डेफिसिट स्टेट था जी, आज हम सरप्लस स्टेट हैं, तो डेफिसिट से सरप्लस होकर लोगों को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हम अपने नहीं ले रहे हैं। एक तरीका ये था कि हम अपना पॉकेट भर लेते और जनता को लूटते रहते। दूसरा तरीका था कि हम जनता का टैक्स जनता को वापस कर दो, हमने वापस कर दिया, तो एक्सचेकर प्रॉफिट भी है और जनता को भी फायदा है। हम भूपेश बघेल जी की तरह 45,000 करोड़ से 90,000 करोड़ तो नहीं पहुंच गए ना। वो चारवाक का कहना था कि यावत जीव सुखम जीवे ऋण के तो अधिकतम मिले, तो ऋण लेकर हम गिने भी रहे। भूपेश बघेल सरकार पर आरोप है, नहीं दिख ही रहा है ना, अगर 45,000 करोड़ का कर्जा था वो बढ़कर 90,000 करोड़ अगर 1,00,000 करोड़ हो जाए और आप फिर इस तरह की बातें करें तो ये तो कभी बैलून फटेगा ना। आप पहले कर्जा कम कीजिए और फिर उसके बाद उसके लिए पश्चात कदम करना पड़ेगा आपको, वो करेंगे नहीं। आज ये लूट का सेंटर में हर कांग्रेसी के नजर छत्तीसगढ़ पे है कि जाए तो 2-4 करोड़ रुपया लेकर के आ जाए, तो ऐसे में नुकसान छत्तीसगढ़ियों को हो रहा है और अमीर कौन बन रहा है? कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला है, दूसरे दलों का भविष्य नहीं, क्या कहें? हम बड़ा घबराते हैं, हमसे पता नहीं क्यों घबराते हैं। हम कहते हैं यार आप काम करो, हमसे लंबी लकीर खींच लो ना। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे तो गुजरात में बीजेपी वाले भी कह रहे थे अगर आम आदमी पार्टी वाले डिबेट में आएंगे तो हम अपना पैनल नहीं भेजेंगे। कांग्रेस भी कहती थी अगर आम आदमी पार्टी वाले आएंगे तो अपना पैनल नहीं भेजेंगे। इन दोनों बड़ा इस बात में इस बारे में बड़ी एक, जो ही आम आदमी पार्टी आती है ऐसे आपको पोजिशन दिखेगा, जो ही आम आदमी पार्टी आती है फिर दोनों के सुर एक जैसे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है घबराहट है और ये घबराहट का परिणाम है कि आज जहां जहां हम जा रहे हैं क्योंकि सब हो रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।